नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं दीपाली सिंह, खबर जम्मू कश्मीर से। अनंतनाग के अरवानी इलाके में बैंक लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अरवानी के जम्मू कश्मीर बैंक में हथियारों के साथ कुछ संदिग्ध व्यक्ति बैंक के अंदर घुसे और बंदूक की नोक पर 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिक्योरिटी कैमरे की वीडियो को देखते हुए छानबीन शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता शबीर खान से। शबीर, क्या पता चला अभी तक लुटेरों का, जी बताइए। जी, आज से सुबह कुछ नामालूम बंदूक बरदारों ने अरवानी अनंतनाग में जम्मू कश्मीर बैंक में घुस गए, जिन्होंने बंदूक के नोक पर 5,20,000 की रकम लूटी है। बताया जा रहा है कि अरवानी अनंतनाग में कुछ नामालूम मुसलह अफराद, जिनके पास हथियार भी थे, और पुलिस का ये भी कहना है कि बंदूक बरदार बुरका पहनकर आए थे और उन्होंने बैंक में घुसकर बैंक के अधिकारी उनको बंदूक दिखाकर एक साइड पे रखा है और उन्होंने बैंक को जबरदस्ती लूट लिया है। और ये भी पुलिस का ये भी कहना है कि जो इस बैंक डकैती में मुलाविस है, जो ये सारे HM हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट थे। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। कश्मीर में ये पहला मामला नहीं है। आतंकवादी पैसों की कमी के चलते इसी तरह बैंक डकैती करते आए हैं। बारामूला से शबीर खान की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।